आज के इस वीडियो में आप लोगों को बताएंगे कि वेस्ट बंगाल पुलिस रिक्वायरमेंट जो आया हुआ है, आज का गुड न्यूज ये है कि जो भी स्टूडेंट वेस्ट बंगाल पुलिस रिक्वायरमेंट का तैयारी कर रहे हैं उनके लिए एक वैकेंसी आया है जो कि कांस्टेबल और लेडी कांस्टेबल का है। जैसा कि आप लोग इस स्क्रीन पे देख रहे होंगे कि वेस्ट बंगाल पुलिस रिक्वायरमेंट बोर्ड दे चुका है इन्फॉर्मेशन फॉर टू एप्लीकेशन फॉर ऑफलाइन सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर रिक्वायरमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ कांस्टेबल एंड लेडी कांस्टेबल वेस्ट बंगाल। तो देख सकते हैं कि वेस्ट बंगाल पुलिस का जो आया है टोटल सीट 8632 में दिया गया है, टोटल इसमें सीट जो है 8632 सीट आया हुआ है और इसका जो स्टार्टिंग डेट है फॉर्म भराने का ऑनलाइन वो दिया गया है 22 से लेकर के 22 जनवरी 2021 से ये ऑनलाइन होना स्टार्ट हो जाएगा और इसका लास्ट डेट जो है 20 फरवरी 2021 तक ये लास्ट डेट इसका फॉर्म भराएगा। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे जो सीट दिया गया रिजर्वेशन और वैकेंसी जो यहाँ पे दिख रहा होगा आप लोग को, अनरिजर्व के लिए जो है कांस्टेबल के लिए 2640 है, लेडी कांस्टेबल के लिए 423 वैकेंसी है। फिर अनरिजर्व इसी के लिए जो दिया गया देख सकते हैं 1280 कांस्टेबल के लिए, 205 लेडी कांस्टेबल के लिए। फिर शेड्यूल कास्ट के लिए 1120 कांस्टेबल के लिए, 179 लेडी कांस्टेबल के लिए है। फिर शेड्यूल कास्ट इसी में जो आते हैं उनके लिए कांस्टेबल के लिए 560 सीट है, उसके बाद लेडी कांस्टेबल के लिए 90 सीट है। फिर शेड्यूल ट्राइब के लिए जो एसटी आते हैं उनके लिए कांस्टेबल के लिए 320 सीट है और लेडी कांस्टेबल के लिए 51 सीट है। तो उसी तरह आगे आप लोग देख सकते हैं कि फिर एसटी इसी में जो आते हैं 160 सीट कांस्टेबल के लिए, लेडी कांस्टेबल के लिए 26 सीट। ओबीसी में जो आते हैं ओबीसी ए में उनके लिए 560 सीट कांस्टेबल और 90 सीट लेडी कांस्टेबल। ओबीसी ए में इसी में जो आते हैं 240 सीट कांस्टेबल का है, 38 सीट लेडी कांस्टेबल का। ओबीसी बी में जो आते हैं उसके लिए कांस्टेबल का 400 सीट है और लेडी कांस्टेबल का 64 सीट है। फिर ओबीसी बी में इसी में जो आते हैं 160 सीट कांस्टेबल का, 26 सीट लेडी कांस्टेबल का। और टोटल यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग की जो कांस्टेबल का जो सीट है वो 7440 है और लेडी कांस्टेबल का जो सीट है 1192 है। टोटल वैकेंसी जो यहाँ पे वेस्ट बंगाल का जो दिया गया 8632 दिया गया। अब आप लोगों को इसमें बताएंगे कि इसका एज क्या है, इसका क्वालिफिकेशन क्या और कौन कौन स्टूडेंट इस फॉर्म को भर सकते हैं। जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख रहे होंगे कि टोटल वैकेंसी के बारे में एलिजिबिलिटी यहाँ पे देख सकते हैं कि एलिजिबिलिटी यहाँ पे ये है कि वो सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए, एज उसका क्या होना चाहिए 18 साल से लेकर के 27 साल तक होना चाहिए। और ये एज कब तक गिना जाएगा, वो गिना जाएगा 1 जनवरी 2021 तक लिया जाएगा। ये हो गया। अब आप लोग देख सकते हैं कि इसमें कौन भर सकता है, जो 10th पास किए हुए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि लिखा हुआ द एप्लीकेंट मस्ट हैव पास्ट माध्यमिक एग्जामिनेशन, जो 10th पास है वो इस वैकेंसी को भर सकते हैं। फिर आगे देख सकते हैं कि यहाँ पे पोस्ट के लिए आप लोगों के लिए फिजिकल क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए वो सब बताया गया। कांस्टेबल मेल जो है, कांस्टेबल मेल के लिए जो कैंडिडेट ऑफ ऑल कैटेगरी एग्जेप्ट गोरखा ये सब जो एक्सेप्शन में दिया उसको छोड़ करके बाकी सबका जो हाइट होना चाहिए 167 होना चाहिए, वेट जो होना चाहिए 57 होना चाहिए, चेस्ट जो होना चाहिए 78 सेंटीमीटर विदाउट एक्सपेंशन और 83 सेंटीमीटर विथ एक्सपेंशन होना चाहिए। फिर लेडी कांस्टेबल के लिए देख सकते हैं कि यहाँ पे जो दिया गया है वो ऑल कैटेगरी के लिए 160 दिया गया है। फिर 49 जो दिया गया है उनका चेस्ट दिया गया है, वेट दिया गया है 49 kg। उसके बाद नॉट एप्लीकेबल इसमें दिया गया। उसके बाद जो यहाँ पे बताए थे आप लोगों को जो शेड्यूल कास्ट मारते हैं जैसे कि गोरखा हो गए, जो रिजर्व कोटा मारते हैं एसटी हो गए, इस सब के लिए जो कैटेगरी दिया गया है मेल के लिए जो हाइट दिया गया 160 दिया गया और चेस्ट दिया गया 53 दिया गया। उसी तरह लेडी कांस्टेबल में जो रिजर्वेशन में आते हैं उनके लिए दिया गया 152 दिया गया हाइट और 45 जो दिया गया है चेस्ट दिया गया। अब इसी तरह आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे रिटर्न टेस्ट 100 मार्क्स का होगा, इसका जो सिलेबस 100 मार्क्स का एग्जाम होगा, एमसीक्यू बेस्ड रहेगा। और इसमें जो देख सकते हैं कि इसमें दो तरह का पेपर लैंग्वेज होगा, एक बंगाली होगा एक नेपाली होगा, ठीक है। और इसमें आप लोग देख सकते हैं कि जनरल अवेयरनेस एंड जनरल नॉलेज का 50 मार्क्स का एग्जाम होगा, एलिमेंट्री मैथमेटिक्स माध्यमिक स्टैंडर्ड का 30 मार्क्स का क्वेश्चन होगा और रीजनिंग का जो होगा 20 मार्क्स का क्वेश्चन होगा। और यहाँ पे नोट करके आप लोग देख सकते हैं कि लिखा हुआ देयर विल बी नेगेटिव मार्किंग फॉर ईच करेक्ट आंसर 1/4 ऑफ द एलोटेड मार्क्स फॉर ए पार्टिकुलर क्वेश्चन, मतलब प्रत्येक मार्क्स के लिए जो यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग दिया गया 1/4 दिया गया, ठीक है। फिर फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं पीएमटी के लिए, तो उसमें लिखा हुआ द फिजिकल स्टैंडर्ड हाइट एंड वेट ऑफ द कैंडिडेट एज गिवन 3E विल बी टेस्टेड बाय यूजिंग इलेक्ट्रॉनिक मशीन ऑफ दोज हु क्वालिफाई इन द प्रीलिमिनरी रिटेन टेस्ट। जो भी रिटेन टेस्ट स्टूडेंट पास कर जाते हैं उसका पीएमटी लिया जाएगा और वो सारा मशीन से लिया जाएगा। जो कि कांस्टेबल के लिए पीईटी जो है
1600 मीटर रनिंग है और वो टाइमिंग जो दिया गया है 6 मिनट 30 सेकंड दिया गया, और लेडी कॉन्स्टेबल के लिए जो 800 मीटर रनिंग है और 4 मिनट इसमें टाइमिंग दिया गया है। उसके बाद देख सकते हैं कि पीएमटी एंड पीटी आर क्वालिफाइंग इन नेचर, मतलब ये सब पीएमटी जो है और पीटू जो है क्वालिफाइंग होना चाहिए। फाइनल रिटर्न एग्जामिनेशन जो होगा वो फुल मार्क्स 85 मार्क्स का होगा, पीएमटी और पीटी सिर्फ क्वालिफाई करने के लिए है, और फाइनल एग्जामिनेशन मार्क्स जो होता है फुल मार्क्स 85 मार्क्स का है। और इसमें आप लोग देख सकते हैं कि इसमें जो पूछा गया है वो पूछा गया है कि जनरल अवेयरनेस एंड जनरल नॉलेज 25 नंबर का होगा, इंग्लिश जो होगा वो 25 मार्क्स का होगा, एलिमेंट्री माध्यमिक स्टैंडर्ड का मैथ जो होगा वो 20 मार्क्स का होगा, रीजनिंग और लॉजिकल एनालिसिस जो होगा 15 मार्क्स होगा। तो इसी तरह का तो इस प्रकार से आप लोग का नोटिफिकेशन था। तो ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं, यदि चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इसी तरह का वीडियो आप लोगों तक पहुंचता रहे।